गाइस, तो ये रही हमारी एसपी भाई 125 जो कि भाई अभी अभी खरीदी थी। बाय द वे भाई गला हो चुका है खराब क्योंकि भाई ठंड का मौसम चल रहा है तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट करो, ठीक है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ भाई, गाड़ी तो हम लेके आ गए जैसे कि आपने इसकी डिलीवरी वगैरह देखी होगी, बट भाई अब हम इसमें बताने वाले कि भाई इसकी भर भर के बुराई करेंगे और भर भर के इसके बारे में मतलब जो एक जेन्युइन रिव्यू रहता ना, मतलब रफ टाइप का, मैं वो करने वाला हूँ क्योंकि भाई डिटेल्स तो आपको भाई स्क्रीन पर आ गई होंगी कि भाई इसमें ये कितने सीसी का है, वो इतने सीसी का है, उतना डीपली नहीं जाएंगे। बट हम इसमें बात करने वाले हैं कि भैया ये गाड़ी हमको कैसी लगी है कुछ एक महीने दो महीने चलाने के बाद, क्योंकि गाइस बहुत ही शानदार गाड़ी है। पहले नंबर तो ये सुन लो, अब बोलोगे भाई बुराई करने के लिए आए थे इधर पे आप, इसकी भाई ये बोल रहे अच्छी है। हाँ तो भाई पूरा जेन्युइन रिव्यू होने वाला है, जिस हिसाब से हमको बाइक लगी उस हिसाब से हम बताने वाले बाइक के बारे में। तो सब कुछ बैकग्राउंड इग्नोर करूँ कि भाई मैं एक रूम में खड़ा हूँ तो अपने रूम में वीडियो बना रहा हूँ, मैं बाहर बाइक खड़ा नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या मुझे खराब लगा और किस हिसाब से मुझे ये बाइक लगी। तो अभी बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले जो मेरे को इसमें बेकार चीज लगी जो कि भाई कई लोगों को नहीं भी लग सकती, कोई लोगों को लग भी सकती है, क्योंकि भाई जैसे कि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा भाई पूरे स्पोर्ट्स बाइक से भरा हुआ है भाई, मतलब KTM वगैरह, MT, R15, मतलब हर चीज जो भी न्यू बाइक आती है स्पोर्ट्स बाइक, हमने सब कुछ चला के रखी है भाई। सबसे पहले तो मेरे को इधर पे एक प्रॉब्लम देती है जो कि इसकी भाई टायर प्रोफाइल। आप इसकी टायर प्रोफाइल देखो गाइस, मतलब ये जो देख रहे हो ना ये बहुत ज्यादा कम है यार, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि गाइस ये जो बाइक है ना भाई इसमें पावर बहुत है यार, मतलब जो कहते हैं ना कि भाई इन बाइकों में पावर नहीं होती है, इसमें पावर है भाई। पावर एक इस लेवल पे है कि भाई अगर आप T90 में पहुंच गए ना और फिर अगर आपने इसको लीन करा तो भाई आप फिक जाओगे, मतलब कहीं भी ऐसा, मतलब हाई लीन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लीन तो ही हो जाती है बट अगर आप हाई लीन पे जा रहे हो तो भाई ये आपको गाड़ी फेंक देगी। जो उसकी टायर प्रोफाइल है ना भाई उतनी ज्यादा भी बड़ी नहीं है, मतलब इतनी करीब कुछ छोटी सी है मतलब। और भाई मैं सोच रहा था कि भाई जो ये अपग्रेड होती जा रही है, न्यू मॉडल आ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ अपडेट देंगे कि थोड़ा वाइड टायर दे देंगे, कुछ न्यू चीज दे देंगे जैसे कि ABS आ जाएगा, बट भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकी कोई हमको प्रॉब्लम भी नहीं है उससे। तो भाई मेरे को एक प्रॉब्लम ये लगी, आपको क्या लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बुराई तो ये कर दी भाई, अब सेकंड चीज करते हैं जो कि जेन्युइन था, जो कि भाई सबको अच्छी लगती। तो भाई मेरे को ये अच्छी लगी कि भाई इसमें मिली है डे टाइम LED, जो कि कह सकते हैं भाई एक LED भी इसमें मिलती है जो कि 24/7 ऑन रहती है जब तक आप बाइक चलाओगे तब तक, ओके। तो अभी बात इधर पे क्या हो रहा है कि भाई इसमें जो LED है भाई बहुत अच्छा फ्लो है, तो भाई ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसमें LED दी भी गई है ना गाइस, बहुत ही अच्छे से दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो अंदर का जो बना हुआ है भाई शेप वगैरह बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगता है और बहुत अच्छा लगता है, एंड ये जेट टाइप की लगती है फ्रंट से, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई जेट टाइप का आ रहा है, मतलब अपाचे टाइप का है ना, समझो। करते हैं सेकंड चीज की। तो भाई सेकंड चीज मेरे को ये लगती है कि इसका जो ये फाइबर है भाई, इधर पे फाइबर दिया गया है सॉलिड एंड ये जो है सब कुछ बढ़िया दिया गया है, बट गाइस अगर आप पास में देखोगे तो ये जो नॉर्मल देख रहे हो, मतलब ये जो फिट एंड फिनिश की बात करी जाए ना, ये मतलब क्वालिटी टाइप की, तो इधर की जो क्वालिटी है ना गाइस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये ना मतलब देख रहे हो मतलब बॉडी से बहुत ज्यादा दूर है एंड इधर कहीं चिपका है कहीं अलग है, तो मतलब ये जो कहा जाए ना फिट एंड फिनिश, इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भैया थर्ड चीज की बात करी जाए भैया, इसका हमारा कंसोल जो कि भाई इसकी भाई शान है, जो कह सकते हो एक अलग ही लगता है एंड इसके आपको हर चीज मिलती है, तो भाई मेरे को इसमें एक प्रॉब्लम लगती है। अगर इसको कंपेयर किया जाए जो उसका कॉम्पिटिटर है भाई ग्लैमर, जिसमें आपको भाई RPM मीटर तो मिलता है, उसके साथ साथ दूर कनेक्टिविटी भी मिलती है। अब इसमें बात कर लेते हैं भाई इसकी जब बुराइयां करी दी है तो इसकी अच्छाइयां भी चलो बता देते हैं आपको। अगर कंपेयर करी जाए हमारे ग्लैमर से और शाइन से, तो भाई ग्लैमर उठा लो, शाइन उठा लो, सीबी शाइन उठा लो, बट गाइस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए, फिट एंड फिनिश की बात करी जाए एंड कलर की बात करी जाए, हर चीज की अगर एक कॉम्बिनेशन की बात करी जाए, तो गाइस ये बाइक बेस्ट लगती है भाई साहब। जब मैंने इसको देखा भाई, मैंने कम से कम ना करा होगा तो भाई बहुत सारी बाइकों से भाई मैंने इसको हॉर्नेट से भाई KTM तक से कंपेयर कर दिया था, अगर आप कहने की मतलब जाओ तो। खैर वो तो अलग सेगमेंट पे बाइक चली जाती है, वो स्पोर्ट्स पे चली जाती है, बट हमको एक फैमिली फ्रेंडली गाड़ी चाहिए थी जो कि भाई हमको कंफर्ट भी दे, माइलेज भी दे एंड सब चीज। एंड भाई साहब इसका जो माइलेज है भाई टॉप नॉच है भाई, कह लो कि भाई इसका अगर माइलेज अगर आप एक नॉर्मल यूज करते हो 50-60 भी बोल रहा हूँ भाई, 50-60 आराम से भगाओ, उसके बाद भी आपको ये 75-78 तक का माइलेज हम लोग को निकाल के दिए इस गाड़ी ने। तो भाई आप सोच रहे हो मतलब इतना कुछ ये माइलेज देती है ये गाड़ी, तो भाई सबसे बेस्ट चीज ये है, कैपेसिटी अच्छी है। सेकंड चीज की अगर बात करी जाए तो भाई जितने भी कलर की मैंने बाइक देखा हूँ, ग्लैमर में कलर आता है, शाइन में कलर आता है, तो भाई साहब उनसे अच्छे कलर भाई हमारी SP शाइन देती है, बिकॉज ऑफ इसका जो कलर है भाई फुल टू भाई BMW ऐसा लगता है, मतलब देख रहे हो पूरा आप कलर देख रहे हो, अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है, ऊपर से भाई मैं घर में खड़ा हुआ हूं, अगर बाहर होता तो आपको पता चलता, तो उसका कलर भी भाई बहुत बेस्ट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और भाई साहब अगर मैं कंपेयर करने की बात अगर कर भी रहा हूं तो भाई अपन करते हैं ग्लैमर प्लस CB शाइन प्लस शाइन
125 जो आती है और एसपी शायद। और भाई साहब इतनी बाइकों की अगर बात कर ली भी गई है तो भाई इसमें अगर हम इंक्लूड करेंगे 180, चलो अब आप बोलोगे भाई 180 से भाई से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 125 का इसका इंजन ही है, तो भाई 125 में इसमें आप कैसे भाई भगा लोगे। तो भाई सही बात करी जाए तो इसका टॉर्क है जो इसका NM है गाइस 11 NM का है, तो भाई ये जो टॉर्क है भाई अल्टीमेट लेवल का है, क्योंकि भाई ये भाई स्टार्टिंग में अगर इसका पकअप देखोगे आप भाई मेरे को मत मानो भाई, आप जाके यूट्यूब में सैकड़ों वीडियो डाली होंगी उसको देख लो, उसमें जाके देख लो भाई आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी भैया अगर इसका ड्रैग रेस कर रहे हैं या फिर इसकी जो भी रेस करवा लो आप, पिकअप इनिशियल पिकअप गाइस बहुत ज्यादा है, अगर शाइन और सीवी शाइन उठा के देखेंगे तो भाई आपको सेम इंजन ही मिलेगा। बट गाइस इसकी अगर बात करी जाए आई डोंट नो व्हाई इतना ज्यादा प्रोड्यूस करती है पावर कि भाई ये स्टार्टिंग में भाई निकल जाती है और भाई बिल्कुल फुर हो जाओ उठाते साथ। अगर बात करी जाए इसकी भाई सर्विसिंग की एंड जो इसका जो मेंटेनेंस है भाई बहुत ज्यादा कम है, अगर कंपेयर करी जाए तो भाई इसका जो मेंटेनेंस है भाई बहुत ज्यादा कम होता है, 350-350 रुपए का बस आपको इसमें कहते ऑयल डलेगा जो कि आप डलवा सकते हो, जो कि लोकल स्टोर में डलवा लो या फिर आप सर्विसिंग करवाने जाओगे तो आपको एजली कहा जाए तो भाई 3 सर्विसिंग तो फ्री मिलती है, तो आपको उधर पे भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आराम से डलवाओ एंड मेंटेनेंस खर्च भी ज्यादा नहीं है, अगर आप ज्यादा भी चला लेते हो तो भाई 1000 रुपए लगाओ गाड़ी में एंड भाई बिल्कुल चल रहे तो 1 साल तक कुछ आपको कुछ नहीं बोलेगी, बस टाइम टू टाइम को ऑयल चेंज करवाना है, सफाई करवाते रहना है, बाकी भाई एक नंबर चलती रहती है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब बात कर लेते भैया इसकी एक और चीज की जो कि मुझे अच्छी लगती है, जो कि है भाई आवाज। अगर आवाज की बात करी जाए भाई कंपेयर करी जाए पल्सर अल्सर से इन सबसे तो भाई अपन कंपेयर कर नहीं सकते, जो इन सेगमेंट की बाइक है, जो इन सेगमेंट की अगर बात करी जाए गाइस तो जो एक आवाज होती है ना एक बेसनेस होना चाहिए, एक 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 क्वालिटी होनी चाहिए एक आवाज में, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कर लो, मतलब एक आवाज होनी चाहिए वो इस बाइक की भाई बहुत ही अच्छी लगती है। एंड भाई धुआं हुआ वगैरह तो कोई सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि भाई बहुत साइलेंट स्टार्ट है और भाई बिल्कुल पता नहीं चलता है अगर आप सिटी में इसको चला रहे हो तो, बिल्कुल मतलब एक जो रहनी चाहिए ना एक मधुर आवाज कहते हैं भाई उस हिसाब की भाई साउंड करती है, जो कि भाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और भाई इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, इसका पॉस्चर अच्छा है, अगर माइनर चीजें देखी जाए तो भाई अब इसमें बुराई कर रहे हैं तो भाई कुछ अच्छाई भी करते हैं, तो भाई अगर कहा जाए कि अगर आप बाकी बाइक्स उठाओगे मतलब जो कि हाई सीसी की रहती है या फिर किसी भी सीसी की आप ले लो भाई, अगर 100 सेकंड में भी अगर आप आते हो तो कंपेयर टू HF डीलक्स वगैरह प्लेटिना वगैरह इन सब चीजों से करेंगे तो भैया जो एक बाइक में एक जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है ना गाइस उसमें बहुत ज्यादा होंडा वालों ने कम किया गया इस बार, और इसका जो एक तो साइलेंट स्टार्ट इंजन है तो भाई वो वाइब्रेट नहीं होने देता है ज्यादा, और सेकंड चीज भाई उसकी जो वाइब्रेशन है जैसे कि इसमें मिरर्स में आने लगती, कई बार देखा होगा इसमें ऐसे हिलने लगते हैं अच्छे से है ना, और ये अपनी फेयरिंग हिलने लगती है या फिर ज्यादा ही खटर पटर आवाज आने लगती है, तो भाई बहुत ज्यादा कम है यार, मतलब आती नहीं है आवाज, मतलब कहा जाए तो एक जो नॉर्मल वाइब्रेशन रहती है ना जो इंजन चलने की वो वाइब्रेशन आपको मिलेगी, बाकी आपको वाइब्रेशन पूरी हटा दी गई है भाई इन बाइकों से, जो कि भाई एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई पूरा हिल जाते थे पूरा, समझ रहे हो ना, तो वो इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। तो भाई मैंने जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मैंने जब इसके बारे में सोचा कि भाई मैं इसके बारे में क्या मतलब जो खराब चीजें जो निकाल पाऊं, तो भाई खराब चीजें निकालने वाली कोई इसमें चीज ही नहीं थी, क्योंकि भाई यार देखो मैं जेन्युइन रिव्यू बना रहा हूं, मेरा ना कोई पेड प्रमोशन है ना कुछ है, भाई मैंने खुद अपनी बाइक खरीदी है और ऐसा नहीं कि मैंने बाइक खरीदी तो मैं इसकी बुराई करूं या अच्छाई करूं, मतलब जो भी है एक चीज करूं, तो भाई मेन चीज तो ये थी ना भाई, जो मुझे खराब लगा वो मैंने आपको बता दिया इसमें, और जो मुझे भाई अच्छा लगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही थी कि भाई जो मैं बाइक है बाइक लेकर बिल्कुल खुश हूं, कोई टेंशन नहीं है, 1 किलोमीटर चल गई है तो भाई अभी तक तो मेरे कोई प्रॉब्लम दी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो कितने किलोमीटर चल गई है, ये हमारा स्पीडोमीटर रहा कुछ, सो भाई इस हिसाब से कुछ रिव्यू। एंड अभी भाई मैं गैरेज में खड़ा हुआ रखा हूं तो भाई थोड़ी इधर उधर की प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई इग्नोर कर दो आजू बाजू की चीज है, ठीक है। वीडियो को भाई कैसी लगी आप भी अपना जेन्युइन कमेंट करो कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम लगती है इसमें और क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर गाइस पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। सो गाइस फिर मिलता हूं ऐसे ऑसम ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए एज ऑलवेज क्रिएटर आइडियाज एंड बी हैप्पी, चलो बाय।